अस्सलाम वालेकुम, जैसे मेरे साथ एक उम्मीद करता हूँ आपको खैरियत से होंगे। बहुत कम ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तानियों को वीज़ा फ्री एक्सेस देते हैं। वीज़ा फ्री एक्सेस इन टर्म्स ऑफ, एक होता है कि आपको बिल्कुल वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, और एक होता है कि आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है। तो ये कम्प्लीटली जिस मुल्क में आज बात करने जा रहा हूँ, ये कम्प्लीटली वीज़ा फ्री तो नहीं है, वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वीज़ा की ऑन अराइवल रिक्वायरमेंट है। वीज़ा पहले से लेकर वहाँ पर जाना की जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिस तरीके से आपको दुबई, सऊदी या इसके अलावा जो भी ममालिक हैं वहाँ करना पड़ता है। तो ये कौन सा मुल्क है, क्या इसके मामला आते हैं, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। जो जिस मुल्क में बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है कतर। कतर पाकिस्तानी को वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत देता है, और इससे ना सिर्फ पाकिस्तानियों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक जो वीज़ा लेने, लाइक जाने से पहले जो वीज़ा लेने के मामला होते हैं, डॉक्यूमेंट अरेंज करने के मामला होते हैं, उनसे पाकिस्तानी को निजात मिल जाता है, जिसकी बदौलत आजकल बहुत ज़्यादा कतर जो है यूज़र फ्रेंडली और लाइक इतना फ्रेंडली हुआ है कि बहुत सारे लोग अब जो है कतर जाने को प्रेफर करते हैं। तो वीज़ा ऑन अराइवल की क्या सीन है, क्या मामला है, किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है कतर जाने के लिए, तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। वीडियो रिक्वेस्ट करती है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अगर आप लोग को अक्सर चीज़ें समझ नहीं आती तो आप लोग डीएम के अंदर आके नॉन रेलिवेंट सवाल करते, तो इसलिए रिक्वेस्ट की कि आप पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा, अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं कतर जाने के लिए, या फिर कतर में लाइक टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं, या फिर विजिट पर जा रहे हैं, या जिस पर्पज़ के लिए भी जा रहे हैं, या कतर जाके कतर से ऑनवर्ड जाना है, तो सबसे पहले जो आप करना है वो आपको जो डॉक्यूमेंट के अंदर जो अरेंज करना है वो आपको रिटर्न टिकट या ऑनवर्ड टिकट। ऑनवर्ड टिकट उसे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कतर के बाद ऑनवर्ड्स की जाना है तो उसका टिकट आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कतर आ गए, कतर के बाद आपको जाना है दुबई, लेट्स से इंग्लैंड जाना है, यूएसए जाना है, कहीं भी जाना है, तो उसका आपके पास टिकट होना चाहिए। देन फिर उसके बाद आपके पास होनी चाहिए आपकी अकोमोडेशन बुकिंग। अकोमोडेशन का क्या सिस्टम है, अकोमोडेशन का ये सीन है कि जब आप वहाँ पे जाएंगे यानी वीजा ऑन अराइवल क्लेम करेंगे, तो आपसे कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट करेंगे। उन डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे पहले तो आपका वो रिटर्न टिकट चेक करेंगे, या फिर अगर आपको वहाँ से मूव ऑन करना है तो वो टिकट चेक करेंगे। सेकंड चीज़ आपकी जो है अकोमोडेशन की डिटेल्स चेक करेंगे कि यार अगर आप कतर में आए हो तो आप रहोगे कहाँ पे, होटल में रहोगे या कहीं मतलब जहाँ भी आप रहोगे उसकी आपको दिखानी है। कम से कम भी जो आप कतर में स्टे कर सकते हो 2 दिन का कर सकते हो, और 2 दिन के लिए आपको ऑफकोर्स कोई होटल एक्वायर करना पड़ता है। होटल कहाँ से आप बुकिंग करेंगे, इनकी वेबसाइट है डिस्कवर कतर के नाम से, वहाँ से आप जो बुकिंग करेंगे। अगर आप booking.com से किसी और वेबसाइट से करेंगे तो वो जो है वैलिड नहीं होगी, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। सिर्फ डिस्कवर कतर से अगर आपने बुकिंग कराई भी अपने होटल की, तो आपको जो है वो वीज़ा मिलने के जो चांसेस है ऑन अराइवल बहुत ज़्यादा आपको प्रायोरिटी उसकी बढ़ जाती है। नंबर 3 जो है वो आपकी है पोलियो वैक्सीनेशन। मतलब जब आप पाकिस्तान से बाहर मूव करेंगे तो इस चीज़ को इंश्योर करिएगा कि आपका जो पोलियो सर्टिफिकेट है ये नादरा इशू करता है। नादरा से पोलियो सर्टिफिकेट आपको इशू करवाना है, क्योंकि वो उनके एक हेल्थ पर्पज की वजह से वो जो है इस चीज़ को इंश्योर करते हैं। तो फर्स्ट मैंने आपको बता दिया कि आपके पास जो है अकोमोडेशन का मामला होना चाहिए, फिर आप पर टिकट होनी चाहिए, पोलियो वैक्सीनेशन। नंबर 4 आपके पास होनी चाहिए बैंक स्टेटमेंट कम से कम भी 3,000 रियाल या फिर 1,000 USD। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं, अगर आपके पास ये चारों चीज़ अवेलेबल है, प्लस आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी हो कम से कम भी तकरीबन 6 महीने की हो, और आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो हो वाइट बैकग्राउंड के साथ, तो ये एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर ये आपके पास होंगे तो आपको जो वीज़ा मिलने के चांसेस हैं ऑन अराइवल उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और वीज़ा कौन सा होता है, स्टिकर होता है, स्टैम्प होता है, तो वो मैं आपको बताया, तो एक वाइट कलर का छोटा सा स्टैम्प होता है वो आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैम्प हो जाता है, जिसकी वजह से ये चीज़ मेंशन हो जाती है कि यार आपको वीज़ा मिल गया है। एक होता है टर्की का और आज़रबैजान का, जो प्रॉपर एक स्टिकर, बड़ा सा स्टिकर, एक बड़ा सा स्टिकर नहीं होता, एक छोटा सा स्टिकर होता है, मैं पीछे भी अटैच कर दूंगा, और उसके ऊपर एक स्टैंप होती है जिसके बाद जो है आप लाइबल हो जाते हैं कि आप कतर के अंदर एक्सेस ले सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए आप इजीली जो है कतर का वीज़ा सिक्योर कर लेंगे, और कोशिश करिएगा कि ये सारी चीज़ें जो है आप पाकिस्तान से लेके जाएं। और उसकी वजह यह है कि जब आप यहाँ से इमिग्रेट कर रहे हो कतर के लिए, तो ऑफकोर्स यहाँ की जो इमिग्रेशन है, यहाँ की वाईफाई है, वो भी या किस तरह वो भी आपसे इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट कर सकती है। जब वो रिक्वायरमेंट आपसे पूछे तो आप सारी चीज़ों के सामने प्रेजेंट कर दिएगा, तो इससे आपको भी मतलब इमिग्रेशन क्लियर करते भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जब वहाँ पे आप पहुँचेंगे तो इजीली यानी आपका ले होगा इजीली। और अगर आपको मतलब स्टे करना है कतर के अंदर, तो आप इजीली वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं बेस्ड ऑन 2 डॉक्यूमेंट टाइप सस्पेंशन, और देन उसके बाद अगर आप मूव ऑन करें तो आप मूव भी कर सकते हैं। आई होप कि मैंने वीज़ा ऑन अराइवल के ऊपर तकरीबन सारी चीज़ें ऊपर कवर कर दी होंगी। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई लाइक कॉमेंट हो, कोई कंफ्यूजन हो या कोई कंसर्न हो, कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन पर आप नीचे आकर बता सकते हैं। मैं इसको लाइक मैं हर कमेंट का प्रश्न भी जवाब देता हूँ, और नॉन रेलिवेंट सवाल नहीं करेगा जो रेलिवेंट हो ऑफकोर्स उसको कर लेगा। अगर चीज़ें नहीं समझ पाए तो आप ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे DM भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैंशन है। और लाइक गुड फॉर नाउ, बाकी चला आपसे बताऊँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।